वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टीटेक P555। मैं प्रदीप कुमार। क्या है आपके बच्चे को स्कूल में प्रोजेक्ट बनाने को मिलता है? बच्चा घर आता है, कहता है पापा हमें एक प्रोजेक्ट मिला है, और आप क्या करते हैं, जाके मार्केट से बना बनाया प्रोजेक्ट ले आते हैं। इससे आपका बच्चा कभी भी कुछ सीख नहीं सकता। अगर आपको अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है तो आप उसकी हेल्प कीजिए, घर पे प्रोजेक्ट बनवाइए, सामान ले आइए, और साथ में आप हेल्प कर सकते हैं, उसको इंटरेस्ट जगेगा प्रोजेक्ट बनाने में। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। आज का मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सोलर सिस्टम पर है। आज हम इस वीडियो में आपको सोलर सिस्टम बनाना बताएंगे, उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, और इससे क्या क्या लाभ हैं। ये सभी चीजें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और आजकल तो सोलर सिस्टम का ज्यादा क्रेज है, लोग सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, और गवर्नमेंट भी इस पे ज्यादा जोर दे रही कि सोलर सिस्टम आप लगाएं और एनर्जी बचाएं, ग्रीन एनर्जी यूज कीजिए। इससे क्या होता है, एनवायरमेंट भी हमारा शुद्ध रहेगा। इस वीडियो में हम बहुत इजी तरीका आपको बताएंगे कि सोलर सिस्टम कैसे लगाया जाता है। आप भी सीखिए, अपने बच्चे को भी सिखाइए, और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसके मत करना। अगर पूरा सीखना है तो पूरा वीडियो देखिए। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जितनी सामान लगेगी वो सारी सामान मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और अगर इन केस मार्केट में सामान नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए भाई, ये हाउस बनाए हैं हम। इस वीडियो में हाउस बनाना हम आपको नहीं दिखाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी इस टाइप का हाउस सभी लोग इजीली बना लेंगे, बच्चा भी बना लेगा। इसी हाउस में हम सोलर सिस्टम लगा के आपको दिखाएंगे। देखिए सोलर पैनल है, सबसे पहले हम इसके छत पे सोलर पैनल यहाँ पे ऐसे फिट करेंगे। चलिए हम आगे आपको टेबल पर ले चलते हैं, वहां हम आपको बनाना बताते हैं और सिखाते हैं कहाँ कौन सी चीज लगेगी, कैसे कनेक्शन होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सोलर पैनल लेंगे, और इसमें देखो निशान बना होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव। अगर आप इसको जब परचेज करेंगे तो हो सकता है वायर लगे हुए मिले यहाँ पे इस टाइप से, अगर नहीं लगे हैं तो रेड वायर पॉजिटिव में लगा लेंगे और निगेटिव ब्लू या ब्लैक वायर लगा लेंगे यहाँ पे, इस टाइप से कनेक्ट कर लेंगे। चलिए इसको हम सोल्डर कर देते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर दिखाते हैं। ये कनेक्ट हो गए, अब इसको हम इस हाउस के छत पे सोलर पैनल लगाएंगे। ये देखिए ग्लू है हमारे पास, ग्लू गन, इसको यहाँ पे लगा के चिपका देंगे। प्रोसीजर वही रहेगा, जो छोटा प्लांट हो, जो बड़ा हो, जैसा हो ऐसे फिट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये वायर हम यहाँ पर होल करके निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हम एक बैटरी लगाएंगे इस सेल होल्डर में। ये देखिए, ये लिथियम बैटरी है 2000 mAh की, 18650 है, ठीक है। इसको अभी हम इसमें नहीं लगाएंगे, इसको जरा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। निगेटिव वायर हम कनेक्ट रहने देंगे, और इसको हम यहाँ से ऐसे उखाड़ लेंगे, ये कनेक्शन अभी हम नहीं करेंगे। यहाँ पे एक डायोड लगाएंगे, ये देखिए
ये डायोड 1N4007 है। इसके कनेक्शन कैसे करेंगे, जो पैनल से वायर आया है ये रेड वाला, तो जो डायोड है इसकी ब्लैक वाली, सिल्वर वाली पट्टी नहीं, ब्लैक, इधर ब्लैक है जिधर पट्टी नहीं है उधर हम इसको कनेक्ट कर देंगे ऐसे, और जो सिल्वर वाली लाइन है वो आकर के यहाँ पे सेल होल्डर में यहाँ पे लग जाएगी ऐसे ही। सेल होल्डर वाला जो आ रहा है रेड वो दूसरी तरफ ऐसे लग जाएगा, ये देखिए इधर सिल्वर पट्टी है इधर नहीं है। तो ये डायोड किस लिए लगाते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये डायोड किस लिए लगाया जाता है। और अगर बड़ा पैनल होता है तब क्या होता है, इसके अंदर ही डायोड लगा हुआ होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये फैन लेंगे, इसमें वायर कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे दो पॉइंट दिए हुए होते हैं, यहाँ पे वायर एक पॉजिटिव इस तरफ कनेक्ट कर देंगे। इसमें हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिया होता है, तो आप लगा के देख लीजिएगा कि जिस तरफ से हवा आए सामने की तरफ उस हिसाब से ये वायर कनेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वायर कनेक्ट हो गए। इस टाइप की कोई राड ले लेंगे और इस पे हम पहले से प्लास्टिक चिपका दी हैं इसको रोकने के लिए, इतना तो आप कर ही लेंगे। ये देखिए ऐसे यहाँ पे ग्लू से चिपका देंगे, ये देखिए यहाँ पे ग्लू गन से ग्लू लगा लेंगे, यहाँ पे ऐसे चिपका देंगे, इतना तो आप लोग कर ही लेंगे। चलिए इसको हम यहाँ पे फिट कर दिए हैं और ग्लू लगा के यहाँ पे चारों तरफ अच्छे से फिक्स कर दिए हैं। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम लाइट फिट करेंगे। इस प्रोजेक्ट में हम एक पंखा और एक लाइट दिखाएंगे, इसलिए लाइट फिट करेंगे यहाँ पे। इसको भी हम ग्लू से यहाँ पे चिपका देते हैं, एक प्लास्टिक की कोई शीट लेकर के इसको हल्के से मोड़ देना और यहाँ पर ऐसे लगा देना इस टाइप से। ये देखिए इसको हम चिपका दिए, और फ्रंट देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव के निशान बने होते हैं, ये आप देख रहे हैं। तो पॉजिटिव की तरफ येलो वायर लगा देंगे और निगेटिव की तरफ ग्रीन वायर लगा देंगे। यहाँ पॉजिटिव के लिए येलो यूज कर रहे हैं और निगेटिव के लिए ग्रीन यूज कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर वायर सोल्डर कर दिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ग्लू लगा के चिपका दिए हैं। अब हम एक पेंसिल लेंगे, बड़ी पेंसिल, ये देखिए इस टाइप की पेंसिल लेंगे, इसको सैंड पेपर से एक तरफ घिस लेंगे, जो कि हम पहले से घिस के रख लिए हैं, इसको फ्लैट बना लिए हैं, ऐसे घिस लेंगे। घिस इसलिए लेंगे, घर के बाहर हम भाई स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, तो इसको हम यहाँ पे चिपका देंगे ऐसे ही, ऐसे ही। अगर फ्लैट नहीं करते तो अच्छे से चिपक नहीं पाती। यहाँ ग्लू लगा के चिपका देते हैं, आप चाहें तो इंस्टेंट ग्लू से भी चिपका सकते हैं, यहाँ पे ऐसे चिपका देंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये भाई पोल बनके तैयार हो गया। अब इसको हम यहाँ पे थर्माकोल में घुसा देंगे, यहाँ पे हम ग्लू से थोड़ा भर देते हैं। अब फ्रेंड्स इसके कनेक्शन देखिए ध्यान से, देखिए ये लाइट का नेगेटिव वायर और इस फैन का नेगेटिव वायर और इस सेल से जो निकला हुआ है पैनल से आया हुआ है और सेल के होल्डर में लगा हुआ है, ये सभी नेगेटिव एक ही में कनेक्ट कर देंगे। ये नेगेटिव एक ही में कनेक्ट हो गए, देखिए फैन का नेगेटिव, लाइट का नेगेटिव, पैनल का नेगेटिव आया हुआ है और इस बैटरी में गया हुआ है, ये सेल होल्डर है यहाँ पे बैटरी लग जाएगी, इसका नेगेटिव सभी नेगेटिव एक में कनेक्ट कर देंगे। होल्डर यहाँ पे चिपका देते हैं, ये तो ये डिस्टर्ब कर रहा है।
और ऐसे ही सभी पॉजिटिव वायर हम एक में कनेक्ट कर देंगे, फैन का पॉजिटिव, लाइट का पॉजिटिव और ये जो पैनल से आया पॉजिटिव, यहाँ पे डायोड लगा है लेकिन जिधर सिल्वर पट्टी है उस तरफ ये हम कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट हो गया, अब हम वायर्स को जरा अरेंज कर देते हैं तो देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। आप देखिए फ्रेंड्स, इस लाइट के लिए स्विच भी तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो लाइट पर परमानेंट जलती रहेगी। तो ये देखिए, ये ऐसा स्विच लिए हैं हम, इसमें दो पॉइंट निकले हैं, स्विच चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, टू पॉइंट होते हैं मोस्टली। तो क्या करेंगे अब हम, ये येलो वायर यहां से कट कर देंगे इस टाइप से। अब देखिए इसमें दो पॉइंट बन गए, तो एक पॉइंट इसमें लग जाएगा एक में और दूसरा पॉइंट ऐसे लग जाएगा, एक ही टाइप से स्विच लगाए जाते हैं। इसलिए हम आपको सभी वायर जोड़ने के बाद स्विच लगाना बता रहे हैं कि आप कंफ्यूज ना हो। एक ही वायर में स्विच लगता है, ये देखिए इसमें दो टर्मिनल है, दो इसमें हो गए, बस कनेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्विच हम यहाँ पे सोल्डर कर देंगे, इसको हम ऐसे यहाँ पे लगा देंगे और ऐसे ही इस फैन में हम ये स्विच फिट करेंगे, ये वाला। ये देखिए इसमें भी हम पॉजिटिव वायर कट करेंगे, ये येलो वाला पॉजिटिव है, इसको हम कट कर देते हैं। ये देखिए उसी तरीके से इसमें भी स्विच लगेगा, और घरों में जो स्विच लगे होते हैं बोर्ड में, उसमें पेच होता है, उससे हम टाइट कर देते हैं। इसमें पेच नहीं तो इसको हम सोल्डर कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ग्लू से चिपका देंगे। ऐसे ही इधर का भी स्विच हम लगा लेंगे। इतना काम कंप्लीट हो गया, एक चीज और बाकी रह गई है, बैटरी जब चार्ज होगी तो हमें पता कैसे चले कि बैटरी चार्ज हो रही है। इसके लिए हम एक इंडिकेटर लगाएंगे, ये देखिए एक एलईडी लगा देंगे, साथ में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे 20 ओम का, क्योंकि ये पैनल 6 वोल्ट का है और एलईडी 3 वोल्ट की होती है, इसलिए रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, नहीं तो एलईडी खराब हो जाएगी। चलिए इसके कनेक्शन हम बता देते हैं कैसे करेंगे। ये देखिए एलईडी में दो सिरे होते हैं, जो बड़ी लेग होती है वो पॉजिटिव होती है, छोटी नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव लेग में हम यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेंगे और दूसरा सिरा, और ये जो नेगेटिव वायर है, ये पैनल से जो नेगेटिव वायर आया, नेगेटिव के सारे वायर एक ही में जुड़े हैं, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ ये वायर चिपकाने के लिए ग्लू लगा देंगे, आप टेप भी लगा सकते हैं, और इसका सर्किट डायग्राम हम आपको दे देंगे तो आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना मस्त काम कर रहा है। ये देखिए जैसे स्विच ऑन करेंगे फैन चल जाएगा, ये देखिए लाइट भी जल गई और बैटरी भी चार्ज होती रहेगी। कितना बढ़िया वर्क कर रहा है, हम आपको इसकी हवा दिखाते हैं कितनी बढ़िया हवा दे रहा है। देखिए जैसे स्विच ऑन करेंगे फैन चल पड़ेगा, ये देखिए हवा देखिए कितनी तेज तेज दी है, ये देखिए भाई वाह बहुत मस्त है। ये देखिए, और ये लाइट जला देंगे यहाँ से, ये देखिए लाइट जल गई, बहुत मस्त हवा। ये देखिए ये सोलर सिस्टम फिट हो गया, आप इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और ये जो वायर दिख रहे हैं इनको हम कवर कर सकते हैं, कागज लगा देंगे, ये वायर नहीं दिखेंगे और सोलर पैनल से बैटरी चार्ज होती रहेगी। बड़े वाले में जो बड़े प्लांट लगाए जाते हैं उसमें भी ऐसे ही होता है कि यहाँ पे पैनल लगा होता है, यहाँ से वायर आता है, यहाँ पे बैटरी लगी होती है और यहाँ पे कंट्रोलर लगा होता है, जहाँ हम एलईडी लगाए हैं यहाँ पे कंट्रोलर लगा होता है और
पूरा सिस्टम ऐसे ही होता है, और यहाँ से पूरे कनेक्शन जाते हैं। और घर में क्या होता है, यहाँ इन्वर्टर लगा देते हैं, क्योंकि हमारे घर में सर एसी इक्विपमेंट होते हैं, लेकिन हम यहाँ डीसी इक्विपमेंट चला के दिखाएं तो यहाँ पे इन्वर्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है अपने बच्चे की हेल्प करके बच्चे से बनवा सकते हैं, बच्चा आपका बहुत अच्छे से सीख जाएगा और स्कूल में फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। ये देखिए, अब हम इसको धूप में ले जा करके आपको दिखाते हैं बैटरी कैसे चार्ज होगी। जब बैटरी चार्ज होगी तो ये इंडिकेशन होगा, ये एलईडी जलेगी, ये एलईडी ग्रीन कलर की है। यहाँ पे हम ग्रीन कलर की एलईडी लगाए हैं, बहुत अच्छा सिस्टम बन के तैयार हुआ है। और बड़ा प्लान लगाइए जो छोटा प्लान लगाइए, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ, सारे कनेक्शन ऐसे होंगे। स्विच के कनेक्शन हम आपको अच्छे से बता दिए, क्योंकि लोग स्विच के कनेक्शन करने में थोड़ा घबराते हैं, स्विच के कनेक्शन बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। ये देखिए बंद हो गया, ये देखिए बंद हो गया। ओके, अब हम आपको धूप में ले जा करके इसको टेस्ट करवा के दिखाते हैं, चलिए ले चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको धूप में लेकर आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रही है, ये देखिए इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। ये देखिए ये ग्रीन लाइट ग्लो हो रही है, जैसे हम पैनल पे हाथ रख देंगे लाइट बंद हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए बंद हो गई, और जैसे हम हाथ हटाएंगे जल जाएगी। ये बहुत अच्छा वर्क करता है, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, कितना अच्छा वर्क हो रहा है। बैटरी चार्ज होती रहेगी, और फैन चलाना चाहेंगे तो फैन भी चला सकते हैं। ये देखिए फैन चल गया, लाइट ये देखिए जल गई, दिखेगी तो है नहीं समय तो तेज है। ये देखिए फैन चल रहा है, बैटरी भी चार्ज हो रही है, फैन भी चल रहा है। ये देखिए, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बच्चे इसको आराम से बना लेंगे और साइंस प्रोजेक्ट में इसको बनाकर स्कूल में दिखा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और हम आपको दिखाते हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ है। देखिए मोबाइल से हम इस पर सोलर पैनल पे लाइट डालते हैं, तो देखिए ग्रीन लाइट जल जा रही है। ये देखिए यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइट जल जा रही है, अगर आप देख पा रहे हैं। हटाइए लाइट, ये देखो लाइट बंद हो गई, फिर जल लगाइए। ये देखिए जैसे मोबाइल की टार्च से हम पैनल पे लाइट डालते हैं, वैसे ही बैटरी चार्ज होने लगती है, लाइट जल जा रही है। मतलब आप ट्यूबलाइट के लाइट से भी आप चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सोलर पैनल है, अगर ट्यूबलाइट बहुत तेज है तो धीरे धीरे बैटरी आपकी ये चार्ज होती रहेगी। फ्रेंड्स, अगर मेरे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। बाय बाय।